इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें। दुनिया के सबसे बेहतरीन सर्चिंग इंजन गूगल भारत बनाम इंडिया विवाद में कूद गया है और उसने इशारों-इशारों में ऐसा काम किया है जो विपक्ष को हैरान कर देगा। गूगल ने क्या किया वो समझाने के लिए इसकी जड़ को भी गूगल करना जरूरी है। आपको बता दें कि भारत बनाम इंडिया के विवाद में अब भारत का पड़ला भारी देखने को मिल रहा है। इस विवाद की शुरुआत या कहें इस मुद्दे को हवा देने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत है। उन्होंने इंडिया की जगह सिर्फ भारत कहने का आह्वान किया। मोहन भागवत ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लोगों को इसकी आदत डालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का नाम प्राचीन समय से चल रहा है और इसे आगे भी जारी रखना चाहिए। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत गुवाहाटी में सकल जैन समाज के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने लगातार भारत नाम का इस्तेमाल करने की बात पर जोर दिया, जिसके बाद चर्चा का बाजार गर्म हो गया। इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें। वहीं विपक्ष ने मुद्दे को भारत बनाम इंडिया का रूप दे दिया और इसे खुद के इंडी गठबंधन के नाम से परेशान होकर मोदी सरकार ऐसा कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाने लगे। विपक्ष ने इस मुद्दे को खूब उछाला, फेक न्यूज भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे, नियम कानून बताने लगे कि कैसे देश का नाम बदला जाएगा, डॉक्यूमेंट्स पर भी नाम बदले जाएंगे, ऐसी तमाम खबरें फैलाने लगे। लेकिन कुछ ऐसी जानकारी सरकार की तरफ से नहीं दी गई। हालांकि इशारों-इशारों में सरकार ने विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दिया। G20 इस बात का नजीर बना। सितंबर में दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन के दौरान देश का नाम इंडिया से भारत किए जाने की पहली झलक दिखी थी। जब डिनर के लिए राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण भेजा गया तो उस पर राष्ट्रपति का नाम प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। वहीं जब पीएम मोदी सेशन को संबोधित कर रहे थे तो उनके नेम प्लेट पर भी भारत लिखा था। और अब हाल ही में खबर मिली है कि एनसीईआरटी की किताबों में पैनल ने सभी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का प्रस्ताव दिया है, जिसके बाद विपक्ष के होश उड़ गए। हालांकि इतना डर तो ठीक ही था, अब गूगल ने भी विपक्ष की नींद उड़ा दी है। दरअसल अब गूगल मैप्स पर देश का नाम सर्च करने पर दिखाई दे रहा है तिरंगे के साथ भारत। जी हाँ, अगर आप गूगल मैप के सर्च बॉक्स में भारत टाइप करेंगे तो रिजल्ट में आपको साउथ एशिया का एक देश दिखेगा, साथ ही आपको तिरंगे का डिजिटल कोड भी नजर आएगा। खास बात यह है कि गूगल मैप पर हिंदी या अंग्रेजी में भारत टाइप करने पर इंडिया लिखने के जैसे ही रिजल्ट दिखाई देने लगे हैं। हालांकि अभी तक गूगल की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। आपको बता दें, भारत में गूगल यूजर्स के लिए यदि आप हिंदी भाषा में ध्यान से देखें तो गूगल अब इंडिया के बजाय भारत शब्द का उपयोग करना पसंद कर रहा है। इसके अलावा अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन में हमेशा अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत दिखाया जाता है और अब गूगल ट्रांसलेशन भारत के लिए हिंदुस्तान और भारतवर्ष जैसी अन्य संज्ञाएं भी इस्तेमाल कर रहा है। तो गूगल इस तरह से इशारों-इशारों में भारत बनाम इंडिया के इस विवाद में कूद गया है और भारत को प्राथमिकता दे रहा है। गूगल के इस गूगली पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।